हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SSSD 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पार्ट 24 देखेंगे। क्योंकि दोस्तों पार्ट 24 में बात करेंगे सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों RRB ग्रुप डी, NTPC, SSC पुलिस, जो कि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को बीच में मत छोड़िए, पूरा क्लास एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं पार्ट 24 ही है, इससे पहले मैंने जो कि 23 पार्ट करवा दिए, कितना 23 पार्ट करवा दिए, जो कि दोस्तों YouTube चैनल SSSD 2.0 पर जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं, क्या दिखिएगा क्या है, चलिएगा क्या है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो बताइएगा दोस्तों किसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किसको, तो थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए थायराइड, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, क्या देखते हैं, किसकी क्वेश्चन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसकी क्वेश्चन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइएगा। तो याद रखिए दोस्तों किसकी कमी से, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि किसकी क्वेश्चन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। तो याद रखिए अपटु ग्रंथि के कारण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे, क्या देखिए निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा किसको कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका थायरोक्सिन को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, तो देखिए थायरोक्सिन को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे, क्या देखिए पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो मस्तिष्क में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, याद रखिए मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, क्या देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथ पीयूष ग्रंथि को स्वतंत्र कार कर सकती है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो दोस्तों बताइए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि परावट्टु, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो याद रखिए परावट्टु, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर अवट ग्रंथि, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा छह देखेंगे, क्या देखिए शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कौन सी है, तो अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिए थायराइड यानी कि अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए सात देखते हैं, क्या देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त तो हो जाती है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त तो हो जाती है। तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा थाइमस ग्रंथि, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या थाइमस ग्रंथि जो होती है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, क्या देखिए मादा जनन हार्मोन है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मादा जनन हार्मोन है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए मादा जनन हार्मोन कौन से, तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है,
यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये उपरोक्त सभी यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑल याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या देखिएगा हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो दोस्तों बताइए किस में पाया जाता है हेवर्सियन तंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो दोस्तों बताइए किस में हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है तो स्तनियों की अस्थियों में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी जो कि स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है हेवर्सियन तंत्र, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या देखिए फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए क्या कहला जाता है, तो याद रखिए प्लूरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या विज्ञान की भाषा में इसे प्लूरा बोलते हैं, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों वैसे बोलते हैं इसको फुफ्सावरण, क्या बोलते हैं फुफ्सावरण आवरण बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या देखिएगा नाभिरज्जु है, तो दोस्तों बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, नाभिरज्जु है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए क्या, तो प्रौण संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या नाभिरज्जु क्या आती है, देखिए प्रौण संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या देखिएगा किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं, तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं, तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या देखिएगा किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। याद रखिए किस ऊतक के बने होते हैं नख और खुर सींग, याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए क्रिएटिन के, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या क्रिएटिन ऊतक के, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या देखिए कोशिका यानी कि कोशिका गतिविधियों नियंत्रित की जाती हैं, तो दोस्तों बताइए किसमें, किसके द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए किसके द्वारा, तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा न्यूक्लियस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो न्यूक्लियस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित की जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या देखिए आलू किस कुल का है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, आलू किस कुल का पौधा है, तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किस कुल का है, तो सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह आलू किस कुल का है, तो याद रखिए सोलेनेसी कुल का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए आलू दोस्तों तना होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या देखिए हम शकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, बताइए दोस्तों कब होता है हम शकल जुड़वा का जन्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा क्या आ जाएगा, हम शकल जुड़वा का जन्म होता है जब, कब होता है दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए जब होता है जब प्राय एक ही लिंके हों, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जब होता है जब प्राय एक ही लिंके हों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या देखिए दूध से दही जमता है, तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, दूध से दही जमता है, तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा दूध से दही जमता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो याद रखिए लैक्टोबैसिलस, कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध में जो कि दूध से दही जमता है, याद रखिएगा। चलेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या देखिए पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों बताइए किसके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों बताइए किसके उपयोग में लाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा,
तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका शरीर के दर्द निवारण में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। या शरीर के दर्द निवारण में पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक जो कि सर्जरी का जनक कौन है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कौन है? तो दोस्तों याद रखिए लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, कौन है? तो लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्या देखिए, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो दोस्तों बताइए किसके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरों पौधों पर आश्रित होते हैं। तो दोस्तों बताइए किसके लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किसके लिए, तो यांत्रिक अवलंबन के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या देखते हैं, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो दोस्तों बताइए किस में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हरी सब्जियों में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो याद रखिए किसमें, हरी सब्जियों में, याद रखिए। वैसे अधिकतर सब्जियों की बात की जाए तो पालक में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है, याद रखिए किसमें, पालक में, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्या देखिएगा, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। तो दोस्तों बताइए क्या कहलाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। दोस्तों बताइए क्या कहलाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए क्या कहलाती, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा रसारोहण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, तो याद रखिए रसारोहण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या देखते हैं, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों बताइए क्या नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों लंबाई की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो सोडियम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। या सोडियम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्या देखते हैं, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किसने दिया, तो दोस्तों याद रखिएगा सोरेन सोरेनसन ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसने दिया पीएच स्केल, तो याद रखिए सोरेन सोरेनसन ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या देखते हैं, रेशम किससे उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, रेशम किससे उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिए रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या देखते हैं, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए किसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए किसके ब्लैक का उदाहरण है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए जेली स्टार्च प्रोटीन जो कि द्रव का ठोस में ब्लैक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जेली स्टार्च प्रोटीन जो कि द्रव का ठोस में ब्लैक का उदाहरण है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 देखेंगे, क्या देखिए, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, तो याद रखिए क्या कहते हैं, तो निवास, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को निवास कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, क्या देखिए, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों कितना होता, तो 100 kg से 150 kg तक का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो याद रखिए 100 kg से 150 kg तक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी एक नोवेल गैस नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोवेल गैस नहीं है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक नोवेल गैस नहीं है, तो याद रखिए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा, जो कि दोस्तों इसमें नोवेल गैस कौन सी है, तो याद रखिए जीनोन, आर्गन, हीलियम, जो कि ये सभी आपकी नोवेल गैस हैं। याद रखिएगा जो कि क्लोरीन है ये नोवेल गैस नहीं है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या देखते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या जाएगा। याद रखिए क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो याद रखिए शुष्क बर्फ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या देखते हैं, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फलों का पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों किसका किया जाता, तो एथिलीन का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए एथिलीन का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। याद रखिए कौन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सामने वाले चपटे दांत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिए क्या सामने वाले चपटे दांत, याद रखिए जो कि मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा क्या जो कि निकटेटिंग पर्दा जो कि आपका जो अवशेषी अंग है, करनाम मांसपेशी है ये भी अवशेषी अंग है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो कि आपका ये भी अवशेषी अंग में आता है। याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या देखते हैं, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एक भुनीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं? दोस्तों बताइए क्या कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या जाएगा, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमानता जो कि असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना भुनीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या जाएगा। याद रखिए क्या कहलाते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा समझात अंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहलाते हैं? समझात अंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति हुई तो दोस्तों बताइए किसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा, जीवन की उत्पत्ति हुई तो दोस्तों बताइए किसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो याद रखिए किसमें हुई, तो जल में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई, तो याद रखिए जल में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा दोस्तों क्या लास्ट क्वेश्चन है देखेंगे, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो किसके द्वारा किया गया हृदय का पहला प्रतिस्थापन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा क्या आ जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कब किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा 1967 में, 1967 में याद रखिएगा क्या हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा जो कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका डॉक्टर जो कि कौन थे, तो याद रखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को, और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता, सभी लोग मिलकर एक लाइक कर दीजिएगा सभी साथियों मिलकर दोस्तों। तो और इसके बाद यानी कि 7 तारीख से यानी कि 7 अगस्त से या 7 अगस्त से आपका फिजिक्स करवाने लगेंगे, या तो दोनों का मिक्स करवाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिक्स करवाएंगे, और या तो नहीं तो आपका फिजिक्स करवाएंगे, ठीक है? याद रखिएगा। तो दोस्तों सभी लोग आइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, सबको बुलाइएगा यहाँ पर, ठीक है? नया नया है तो दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों से मदद चाहता हूँ तो मदद कर दीजिएगा आप सभी लोग मिलकर एक बार सभी लोग, ठीक है? तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों, चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।